अन्न पुलिस को तलाश है एसपीओ की। एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जो नक्सलियों की पल पल की जानकारी पुलिस को दे सके, जो नक्सलियों की हरकत को पुलिस के सामने लाए। स्पेशल पुलिस ऑफिसर का सबसे प्रचलित नाम है मुखबिर, लेकिन आज हालात एकदम बदले हुए हैं। अब ढूंढने से भी मुखबिर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए पुलिस को तलाश है नए मुखबिर की, और वो भी मात्र 3,000 रुपए के तनख्वाह पर। एसपीओ को 3,000 रुपए निर्धारित। 3,000 नहीं जाएगा। मुखबिर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कोई और ना सही, लेकिन झारखंड के लोग जरूर सिहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका हश्र सभी ने देखा है। इसलिए नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सबसे अचूक हथियार यानी एसपीओ अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। नक्सलियों के खौफ से या तो अधिकांश एसपीओ भाग चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं, और जो बच गए हैं वो खुद नक्सलियों से मिल चुके हैं, क्योंकि अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। पुलिस इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है, और वो इसकी बहाली तक करने की बात कर रही है। ये हमारे अपील होगा कि अगर जो अनएम्प्लॉयड युवक हैं वो सामने आ सकते हैं एसपीओ बनने के लिए, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरफ से पिसाने के लिए कहा जाएगा, और इसमें जाएगा तो देखिए दोनों साइड से पूरा मतलब बीच में रहेगा। झारखंड पुलिस के पास 100 से ज्यादा एसपीओ बहाल किए गए थे, और ये मुखबिर पुलिस को सटीक सूचना भी दे रहे थे, लेकिन नक्सलियों ने इसकी पहचान कर ली और एक एक कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। कारण, पुलिस मुखबिरों के पहचान को गुप्त रखने में पूरी तरह से नाकामयाब रही, लेकिन इससे सबक सीखने के बजाय पुलिस ने नया पैतरा शुरू किया है। वो अब मुखबिरों की जान की सुरक्षा की पूरी गारंटी देने के लिए तैयार है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, और उन्हें 3,000 तनख्वाह देने की बात कह रही है, लेकिन परिणाम सबके सामने है। ढूंढने से भी मुखबिर नहीं मिल रहे, क्योंकि चंद पैसों के लिए अपनी जान का सौदा कोई नहीं करना चाहता, और सरकार की नाकामयाबी किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में नक्सलवाद के खात्मे को अमली जामा पहनाने की सरकार की बात किस हद तक मायने रखती है, ये आज सबके सामने है।